हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक। तो गणेश पूजा में मोदक ज़रूर बनाएं। तो देखिए, मैंने बहुत ही इजी तरह से मैंने डिफरेंट तरह के मोदक को बनाया है। तो चलिए इसे बनाना जो है रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर 1 कप एंड 2 1/3 कप मैंने मैदा, और शुगर को मैंने 2 1/3 कप भी ले सकते हैं, या थोड़ा अगर आपको ज़्यादा लगे तो ले सकते हैं। सबसे पहले मैं जो है मैदा को रोस्ट कर लेती हूँ। आप चाहे तो मैदा का अमाउंट कम कर सकते हैं और मिल्क पाउडर का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। जब मैदा अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तो खुद ही खुशबू देने लगेगी। इसे रोस्ट करने के बाद मैं एक पैन में 1/2 कप जो है पानी लेती हूँ और पूरे शुगर को इंक्लूड करती हूँ, और इसे चाशनी बनने तक वेट करती हूँ। तो देखिए, पानी का कलर भी चेंज हो गया है, हल्की चाशनी बनने लगी है। जब चाशनी बन जाए तो इसमें जो है मैं मिल्क पाउडर को ऐड करती हूँ। आप चाहे तो छन्नी से छान कर मिल्क पाउडर को ऐड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि गुठली नहीं बनेगी, और या तो ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से मिलाना पड़ेगा। इसे मिलाने के बाद जो मैंने रोस्ट करके मैदा रखी थी उसे मिक्स कर लेती हूँ, और यहाँ पे आप गैस का फ्लेम जो है धीमा रखिएगा। और सॉरी गाइस, मैंने इसमें घी ऐड किया था 2 चम्मच, जो दिखाना भूल गए हैं। गीली लगे तो आप इस पे सूखी मैदा रख के इसे थोड़ा कड़ा कर लीजिएगा। और मैंने इसके ऊपर जो है घी को इस तरह से अप्लाई किया, 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है। बाद में इसमें कलर को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हाथों से गोले बनाकर इस तरह से शेप दे दीजिएगा, और इसे अच्छे से बैठा लीजिएगा। उसके बाद एक टूथपिक के हेल्प से इस पे इस तरह से डिज़ाइन दे दीजिएगा। तो देखिए, हमारा मोदक जो है रेडी हो गया है। दूसरे टाइप के मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काजू और आलमंड को लिया है, और इसे इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा नारियल भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी पानी और शुगर को इंक्लूड किया है, और हल्के जब एकदम अच्छे से चाशनी बन जाए, पूरे चिपकने लगे, तब इसमें हम बस इसे डालकर निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने जो 2 पार्ट में डिवाइड किया था उसमें अलग अलग कलर को मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसमें जो है ग्रीन कलर इंक्लूड किया है, और इसमें जो है पिंक कलर इंक्लूड किया है, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और साइड में मैंने चॉकलेट भी इंक्लूड पिघला लिया था, और इस तरह से मिक्स हो गया है। तो सबसे पहले मैं पिंक वाले में थोड़ा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इंक्लूड कर लेती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं और नहीं भी। उसके बाद हाथों को क्लीन करने के बाद उसी तरह से गोले बना लेते हैं। उस
उसी तरह से बैठाकर इस तरह से शेप दे देते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा चॉकलेट सिरप को इंक्लूड कर दिया है। ग्रीन वाले में मैं जो है ये तैयार करके जो रखा था उसे इंक्लूड करती हूँ। तो ये हमारे थर्ड टाइप के मोदक रेडी कर लेते हैं और इसे भी उस तरह से शेप दे देते हैं। तो हमारा रेडी हो गया है। और इसे और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े आलमंड को इस तरह से बैठा लिया है और ये सभी नट्स को मैंने जो रेडी किया है उसे भी हल्का चिपका लेते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और भी सुंदर लग रहा है देखने में। तो इस तरह से थर्ड में मैंने क्या किया है, ग्रीन में फील करने के बाद इसके ऊपर जो है अलग कलर का ऊपर से इंक्लूड कर लेती हूँ। इस तरह से ग्रीन कलर को इंक्लूड करती हूँ। इसके बाद सेव दे देते हैं। तो देखिए कितना सुंदर मोदक देखने में लग रहा है, एकदम गणपति बप्पा मोदक। फोर्थ में मैं इसमें चॉकलेट सिरप अंदर इंक्लूड करके करती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट और कितना सुंदर ये बन के आया है। और इसके ऊपर मैं जो है फिर से चॉकलेट सिरप थोड़ा इंक्लूड कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले को, पिंक वाले को बनाया है। तो देखिए इस तरह से मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के मोदक को बनाए हैं। आप भी इस गणेश पूजा में इसे ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।